नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे झारखंड विभूति पार्ट 32। इसमें हम लोग पढ़ेंगे विनोद बिहारी महतो के बारे में, ठीक है। अंत तक वीडियो देखते रहिए, सारे इम्पोर्टेंट चीजें आपको पता चल जाएगी इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले इसका जन्म देख लीजिए। जन्म इसका 23 सितंबर 1923 में हुआ है, इस 23 से याद रख लीजिए। मृत्यु 15 दिसंबर 1991 में हुआ है, ठीक है। ये देख लीजिए जन्म और मृत्यु, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी याद रख सकते हो आप। जन्म स्थान इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धनबाद जिला, बलियापुर ब्लॉक और बड़दाहा गांव, ठीक है, ये याद रख लीजिए। धनबाद तो ऑटोमेटिकली पढ़ते पढ़ते इतने बार जिक्र होगा कि तुरंत याद हो जाएगा, बाकी बड़दाहा गांव याद रखना जरूरी है, ठीक है। माता का नाम, पिता का नाम महेंद्र नाथ महतो, ठीक है, महेंद्र नाथ महतो। माता जी का नाम मंदाकिनी देवी और वाइफ का नाम फूलमणि देवी। अब देखिए, इन्होंने दो स्कूल का निर्माण कराया था, ठीक है। इस फंड तो इसने बहुत सारे स्कूलों में दिया है, विनोद बिहारी महतो बोल के बहुत सारे आपको झारखंड धनबाद जिला में आपको या झारखंड में आपको स्कूल मिल जाएंगे जिसमें फंड दिया हो, लेकिन ये दो स्कूल खुद अपने से बनवाया था, ठीक है। ये पूर्वी बरवा में, ये महेंद्र नाथ महतो स्कूल पूर्वी बरवा में बनाया था, ठीक है। एक गांव है पूर्वी बरवा, और अपने माँ के नाम से मंदाकिनी देवी स्कूल बनाया था पश्चिम बरवा, ठीक है। महेंद्र नाथ महतो के नाम से, अपने पिता के नाम से पूर्वी बरवा में, और माता मंदाकिनी देवी के नाम से पश्चिम बरवा में स्कूल बनाया था इसमें, ठीक है। इतना चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, प्लस एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, धनबाद लॉ कॉलेज बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। लॉ कॉलेज इसने 5 लाख रुपया का डोनेशन दिया था इसमें, ठीक है। और इसके सचिव भी थे जब बने थे ना, कमिटी बनी थी इस बनाने का, जितने भी जो समिति बनाई थी, कमिटी बनाई थी, उसमें जो कमिश्नर वहां का जो डीसी था, उपायुक्त था, वो वहां का अध्यक्ष था और ये सचिव था, ठीक है। इन्हीं के प्रयासों से धनबाद लॉ कॉलेज बना, ठीक है। और खुद भी एक लॉयर थे, बहुत बड़े लॉयर थे, पहले गरीब थे मगर धीरे 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 बहुत अमीर हो गए, बहुत नहीं लेकिन अच्छा खासे अमीर हो गए। इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा इससे लेके। सबसे पहले ये इसका पहला पेशा क्या था, क्लर्क था, धनबाद जो समाहरणालय है, कोर्ट है, धनबाद कोर्ट में ये क्लर्क के रूप में नौकरी किए थे, ठीक है। बाद में ये नौकरी छोड़ के पढ़ाई किए पटना से, पटना लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री लिए और फिर धनबाद में आकर प्रैक्टिस करने लगे, ठीक है। इसका जो कर्म क्षेत्र था धनबाद था, धनबाद कोर्ट में ये प्रैक्टिस करने लगे, ठीक है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, धनबाद उस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं हुआ करता था, सब डिविजन कोर्ट हुआ करता था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस समय का हेडक्वार्टर था, उस समय तो मानभूम था, पुरुलिया है, मानभूम का हेडक्वार्टर हुआ करता था, वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था। देखिए इसको कब हाईलाइट हुआ था इसमें, देखिए ये जब वकील बन गए, ठीक है, तब इन्होंने बहुत जनसेवा का कार्य किया। जब वकील बन गए तब इन्होंने उसी समय दौर में औद्योगिकरण का दौर आया, बहुत उद्योग झारखंड में लगने लगे, पूरे बिहार का 90% उद्योग तो झारखंड में ही था उस समय। जैसे डीडीसी 1948 में बनने वाला था, कोल इंडिया लिमिटेड, बीसीसीएल, सीसीएल, बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, सब धनबाद एरिया का ही में ही ज्यादा ये सब चीज का गढ़ है। फिर माइनिंग, कोयला माइनिंग, ये सब जो होते थे, तो इस ये उद्योगीकरण का जो दौर आया, तो इस उद्योगीकरण का दौर तो बहुत अच्छा चीज है, मगर इसमें कितने विस्थापित होंगे, बहुत सारे विस्थापित लोग हुए, बहुत लाखों लोग विस्थापित हो गए, उसके लिए केस लड़ा था इसने, बिना पैसे का केस लड़ा था और सबको मुआवजा दिलाया था, और इस वजह से ये बहुत हाईलाइट हुआ था। एक और चीज इन्होंने
इस आंदोलन को छोटा आंदोलन ने बड़ा आंदोलन बना दिया, क्योंकि देखिए आप खुद ही सोचिए, ये सब एरिया झारखंड में है, मगर झारखंड एरिया के कर्मचारी अब पुराना नहीं मिलेगा आपको, नहीं के बराबर मिलेंगे। जो बिहार साइड में के लोग थे वही लोग ज्यादातर थे, ये नहीं कि बिहार को बिहारियों जो अभी का बिहारी उन लोगों को भी नौकरी मिलना चाहिए क्योंकि उनका स्टेट था, मगर यहाँ नगण्य था यहाँ के लोकल आदिवासी, आदिवासी प्लस लोकल जितने भी आदमी है लोकलिटीज का बहुत कम नौकरी मिलते थे, तो उसको लिए एक जन आंदोलन बनाया था इसने, तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत भला हुआ था, इसीलिए प्यार से लोग इसे बाबू नाम दे दिए थे इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि जन काम कराया था लोगों को, विस्थापितों का बहुत मदद किया था इसने, ठीक है। अब देखिए इसका एक और काम किया है, 1969 ईस्वी में इन्होंने शिवाजी समाज की स्थापना किया था, ठीक है, शिवाजी को अपना गुरु मानते थे और ये कहते थे शिवाजी कुर्मी जनजाति, कुर्मी जनजाति का है ये, इसका ये मानना था शिवाजी कुर्मी जाति के थे, तो 1969 ईस्वी में उसी के नाम पे एक शिवाजी समाज बनाया, शिवाजी समाज, ये शिवाजी समाज एक सोशल संस्था इसने बनाया, जिसे इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, ये था समाज सुधार, कुर्मी समाज सुधार, किसमें कुर्मी जातियों में जो बुराइयां आ गई थी उसको सुधार के लिए था, कुर्मी जाति में सुधार के लिए, स्वयं ही कुर्मी जाति का था, तो ये शिवाजी समाज, इसी को देखा देखी इसी से प्रेरणा लेके 1970 ईस्वी में संथाल समाज बनाया गया, सोनोत संथाल समाज, पवित्र संथाल समाज, ठीक है, इसी से प्रेरणा लेके सोनोत संथाल समाज एक साल बाद बना, ठीक है, और इसी से प्रेरणा लेके फिर बाद में मंडल समाज बना, तेली समाज बना, इस तरह करके हर एक जाति का समाज बनने लगा, यहीं से शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसके बाद अगर 1971 ईस्वी में एक और पार्टी बनता है एमसीसी, ठीक, मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी, मार्क्सवादी समन्वय समिति, उसके बाद 1973 ईस्वी में क्या होता है, ये तीनों मिल जाता है, एक दो तीन, ये सब समाज सुधारक पार्टी है, ठीक है, ये सब सिर्फ समाज, ये मजदूर पार्टी, एमसीसी वाला जो था ये मजदूरों के लिए, झरिया झरिया कोल फील्ड में जो काम कर रहे थे सिंदरी झरिया, उसके मजदूरों के लिए था, मतलब सामाजिक विभाग था, ये भी सामाजिक विभाग था, ये भी सामाजिक विभाग, तीनों सामाजिक विभाग मिलकर 1973 इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी बनता है, ठीक है, और इसका अध्यक्ष बनता है विनोद बिहारी महतो, ठीक है। तो ये वेरी बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि जेएमएम का पहला अध्यक्ष कौन था, विनोद बिहारी महतो, ठीक है। इसके बाद इसकी स्थापना कौन करता, सोन समाज शिबू सोरेन, तो ये बनता है महासचिव जनरल सेक्रेटरी, एमसीसी का संस्थापक रहता है एके राय, अजीत कुमार राय, ये बनता है कोषाध्यक्ष, ठीक है, इसे जेएमएम बन जाता है। तो ये जेएमएम की घटना, ये 1969 ईस्वी में शिवाजी समाज बनाता है। एक और इसके बाद देखिए झारखंड समन्वय समिति भी बनाता है, कुछ दिन के लिए रहता है, इसका कोई वजूद नहीं रहता इस पार्टी का, मतलब राजनीतिक टाइप का ही बनाता है छोटे लेवल पर अपना, झारखंड समन्वय समिति, ठीक है, ये भी याद रखिए किस संगठन का गठन करता है, झारखंड समन्वय समिति, ये देख लीजिएगा। एक जेसीसी, जेसीसी 1987 में जेसीसी बनता है गवर्नमेंट की मदद से, वो वाला उसका भी नाम रहता है झारखंड समन्वय समिति, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, एक ही नाम है लेकिन दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है, इसको आप याद कीजिए। आगे इसका राजनीतिक सफर तय करते हैं हम लोग, देखिए ये बचपन से ही सीपीआई में जुड़ा रहता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई मार्क्सवादी, ठीक है, सीपीआई से ये पहले इसका जुड़ाव रहता है, ठीक है, बहुत दिनों तक 25 साल का कार्य सीपीआई से रहता है, जेएमएम तो बाद में बनाता है, सीपीआई में रहने से पहले, सीपीआई ज्वाइन करने से पहले ये झरिया विधानसभा से चुनाव लड़ा था, ठीक है, झरिया में निर्दलीय लड़ा था, ठीक है, और किसके खिलाफ लड़ा था, झरिया के राजा के खिलाफ, ठीक है, काली बाबू के खिलाफ, ठीक है, काली सिंह नाम था उनका, काली सिंह के खिलाफ लड़ा था। तो ये लोग, इसके गांव वाले सब इसे नाराज हो गए कि तुम राजा के खिलाफ लड़ रहे हो, उस समय राजाओं की थोड़ी सी शक्ति होती थी, तुम अपने राजा के खिलाफ लड़ रहे हो, इस वजह से ये हार गए। इसको चुनाव चिन्ह मिला था कमल फूल, उस समय कम बीजेपी बनी नहीं थी, ठीक है, इसको चुनाव फूल कमल फूल मिला था, उस समय बीजेपी का पूर्ववर्ती पार्टी जो था जनसंघ हुआ करता था, जनसंघ,
ठीक है, ये दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी में अच्छा खासा सीट लाता था। जनसंघ का चीज उसमें चुनाव चिन्ह दीपक हुआ करता था, दिया ये कमल फूल इसको चुनाव चिन्ह में दिया गया था। तो झरिया इसका चुनाव क्षेत्र पहला था। उसके बाद ये धनबाद से लड़ा था, धनबाद में जब लड़ा था तो ये सीपीआई ज्वाइन कर लिया था, सीपीआई की तरफ से लड़ा था, सेकंड पोजीशन में आया था। ठीक है, उसके बाद ये किसी भी पार्टी में जीत नहीं पाए, मगर जब इसमें जीते थे, जब ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी बना लिया था, तब 1980, 85 और 90 तीन बार ये टुंडी विधानसभा, धनबाद में ही टुंडी विधानसभा क्षेत्र से एमएलए बने थे। ठीक है, क्लियर। राज्यसभा में भी एक बार ये गए, राज्यसभा का एमपी भी बने हैं एक बार, और 1990 गिरिडीह से एमएलए भी बने हैं। ठीक है, गिरिडीह विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से एमएलए भी रह चुके, सॉरी एमएलए तो टुंडी से रहा, यहां से एमपी रह चुके हैं। ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन घुमा घुमा के इससे पूछा जाता है। ठीक है, धनबाद लॉ कॉलेज जो बना था 1982 में बना था, मैं बताना भूल गया था। ठीक, अब देखिए एक और चीज आप इससे याद रखिए, एक चीज आप याद रखिए कि धनबाद में एक जगह है, ठीक है, हीरापुर बोल के एरिया में एक जगह है, उसका नाम है विनोद मार्केट। ठीक है, विनोद मार्केट इसी के नाम पे है विनोद मार्केट। इसकी कहानी क्या है कि ये किराए पे रहते थे, ठीक है, जब ये वकालत करते थे शुरुआत में तो गरीब थे, शुरुआत जब वकालत के किए थे तो ये वो चारू चंद्र चट्टोपाध्याय बोल के एक आदमी के घर में किराए पे रहते थे। वो बहुत अमीर हुआ करता चारू चंद्र चट्टोपाध्याय, वो बहुत नामी गिरामी वकील हुआ करते थे, बहुत बड़ा एरिया हुआ करते थे, कोठी कोठी हुआ करते थे। बाद में बाबू के पास पैसा हुआ, वकालत में खूब कमाए, तो नहीं कमाया होता तो बाप और माँ के नाम से कैसे ये बना देता, स्कूल बना देता, या 5 लाख रुपया कैसे डोनेशन दे देता इसमें धनबाद लॉ कॉलेज में, प्लस बहुत सारे कम से कम 20 ऐसे स्कूल है जिसको इसने डोनेशन में बनाया था। तो वही अब देखिए धनबाद में जहाँ रहते थे चारू चंद्र चट्टोपाध्याय की घर में, तो उसने पूरे एरिया को खरीद लिया पैसा आने के बाद, ठीक है, मैक्सिमम एरिया को खरीद लिया। बाद में वही जगह विनोद मार्केट नाम से कहा जाने लगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात, इसी के नाम पे, इसी के नाम से 2017 ईस्वी में एक यूनिवर्सिटी बना है धनबाद में, संत विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को काट के एक यूनिवर्सिटी बनाया गया जिसका नाम है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी। कोयलांचल यूनिवर्सिटी कहां? धनबाद। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में देखिए धनबाद में तो 6 जिले, उधर तो पहले 6 जिले जिला को लेके चलता था, ये 6 या 7 है जो भी है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, अब 2 जिला धनबाद और बोकारो वाला सारे कॉलेज इसी के अंदर आ गया है, विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी के अंदर आ गया। सेम 2017 में एक और यूनिवर्सिटी बना है जो रांची विद्यालय महाविद्यालय था, रांची कॉलेज रांची जो था ना, उसी का नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी कर दिया, पहले कॉलेज था अब यूनिवर्सिटी कर दिया था 2017 में, दोनों एक साथ आप याद कर सकते हो। दूसरी बात आपको याद रखना पड़ेगा इसके नारा क्या था, ठीक है, इसने क्या नारा दिया, इसका नारा था जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम बाबू, नाम बाबू था ये इंपॉर्टेंट, और नारा क्या दिया था, पढ़ो और लड़ो, पढ़ो और लड़ो, ठीक है, पढ़ाई करोगे तभी लड़ाई कर सकते हो, मतलब अगर पढ़ना है तो ही लड़ना है, अगर लड़ना है तो पढ़ना है, अगर लड़ना है तो पढ़ना है, यही इसका नारा, यही उद्देश्य था इसके नारा का, पढ़ो और लड़ो। क्लियर, इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा इससे लेके। ठीक है दोस्तों, काफी विनोद बिहारी महतो के बारे में इतना चीज जानना बहुत है आप लोगों के लिए। धन्यवाद आप।